तो हमारा अगला क्वेश्चन है 7.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है क्या कि तीन बिंदुएं 6-6, 3-7 और 3-3 से गुजरने वाला वृत्त है, एक वृत्त गुजरता है, तो हमको इसके केंद्र का निर्देशांक चाहिए यानी x, y का वैल्यू चाहिए। तो समझते हैं इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो क्या कीजिए कि ओ ए को मिला दो, ओ बी को मिला दीजिए और ओ सी को मिला दीजिए, तो ये तीनों ही आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही वृत्त की त्रिज्या हैं। यानी हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, तीनों आपस में बराबर है। अब प्रोसीजर क्या है इसका, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आप। तो ओ बी और ओ सी ये दोनों को बराबर करोगे तो एक इक्वेशन आएगा, ओ ए और ओ सी ये दोनों को बराबर कीजिएगा तो एक इक्वेशन आएगा। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और आपका एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो मेरा जो हम लोगों का जो मोटो है वो क्या है कि एक्स और वाई को फाइंड आउट करना सबसे बड़ा वो काम है। यानी एक्स का एक अलग वैल्यू आएगा और वाई का एक अलग वैल्यू आएगा, वही क्या हो जाएगा मेरा निर्देशांक हो जाएगा। तो समझते इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले ये दोनों को बराबर कर लेते हैं, फिर उसके फिर ये दोनों को बराबर करेंगे। तो ओ बी और ओ सी को जब बराबर करेंगे तो क्या क्या फैक्ट आएगा, पहले ओ बी का डिस्टेंस चाहिए, तो ओ बी के डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो बी बाद में आ रहा है तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी क्या 3-x का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू का वैल्यू कितना है, वाई टू का वैल्यू -7-y का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। एडम्स की प्रोसेस में चल रहा है। उसके फिर ओसी का बात करते हैं, 3-x का होल स्क्वायर, 3-x का होल स्क्वायर इंटू 3-y का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिएगा तो रूट रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3-x का होल स्क्वायर, -7-y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3-x का होल स्क्वायर प्लस 3-y का होल स्क्वायर। ये दोनों ही क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बचा क्या -7-y का होल स्क्वायर, 3-y का होल स्क्वायर। तो ये टोटल को मान लीजिए ए, ये हो जाएगा बी, ए का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर -2 इंटू ए का वैल्यू -7 इंटू बी का वैल्यू वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू वाई। फिर आगे 49 प्लस वाई स्क्वायर -- प्लस 14y इज इक्वल्स टू 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 6y, y square दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 49 है प्लस 9 है इधर आया तो -9 इज इक्वल्स टू -6y प्लस 14 उधर जाएगा तो -14, 40 इज इक्वल्स टू -20y। तो y का वैल्यू क्या फाइंड आउट होता है देख लीजिए, तो y का वैल्यू -20y इज इक्वल्स टू 40, तो y इज इक्वल्स टू 40/-20, दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना -2। तो y का वैल्यू हमें पता चल गया कि क्या होने वाला है, -2 होगा। अब उसी टाइप से क्या करते हैं, क्या OA और OC को बराबर कर लेते हैं, OA इज इक्वल्स टू OC कर सकते हैं या तो फिर OB के बराबर कर सकते हो, आप किसी के भी किसी को बराबर कर सकते हो। तो ये दोनों पॉजिटिव में है तो इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं, OA इज इक्वल्स टू OC। OA का वैल्यू कितना है, OA का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, रूट अंडर x2-x1, तो x2 का वैल्यू कितना है 6-x का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 -6-y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का वैल्यू बोला गया, तो OC का वैल्यू कितना आ जाएगा 3-x का होल स्क्वायर प्लस 3-y का होल स्क्वायर। ये आपका पैटर्न की दो इक्वेशन हो गए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो सेम प्रोसेस, रूट खत्म हो जाएगा, ठीक। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे रूट खत्म, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिएगा रूट खत्म। रूट अगर खत्म होता है तो बचेगा क्या 6-x का होल स्क्वायर प्लस -6-y का होल स्क्वायर 3-x का होल स्क्वायर प्लस 3-y का होल स्क्वायर। फिर आगे के प्रोसेस में देखते हैं क्या है, 6-x का होल स्क्वायर तो रहने ही दीजिए प्लस -6-y का वैल्यू कितना है -2 पुट कर दिए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई थ्री माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर। फिर सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। सिक्स का होल स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर का होल स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू थ्री नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस। फिर इसको अगर सॉल्व करते तो कितना आ जाता है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस थ्री टू फाइव फाइव का होल स्क्वायर 25 ये आपका आ गया। अब देखते हैं कि कोई अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे इसको, तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, बचा क्या इधर, अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 52, ये दोनों को अगर ऐड कीजिएगा 52 माइनस 12x इज इक्वल्स टू, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 34 माइनस 6x, उसको इधर इसको इधर लेके चले जाते हैं 54 माइनस इधर आएगा तो 52 माइनस 34 इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 12x। फिर आगे सॉल्व करते हैं, ये दोनों को माइनस कीजिएगा 18 इज इक्वल्स टू 6x, x इज इक्वल्स टू 18 बाय 6 कैंसिल होके 3। तो यानी x का वैल्यू कितना आया आपका x कॉमा y, ये किसका कोऑर्डिनेट था, सर्कल के ओरिजिन का कोऑर्डिनेट था, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट था, और सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू -2 आया, ये आपका आंसर है।